ये जो है ना, ये दोनों ये दोनों हैं वजीहा और हुरैन, ऐसे ही जी। ये है हुरैन जी और ये है वजीहा, ऐसे ही जी। इनके बारे में मैं आपको बताऊं ना तो कि जमीन निकल जाएगी। ये बच्चियां हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़के नहीं हैं। और इनके बारे में जो सुना मैंने, मेरे अभी भी रोंगटे ऐसे खड़े हो गए हैं, बताते हुए भी मुझे मुश्किल हो रही। बेटियां वो कि जो पैदा हों घर में परवरिश पाएँ तो रहमत होती हैं, और अल्लाह पाक की ऐसी रहमत हैं बेटियां कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे मैं आपको बोलूं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा जनाब सईदा, देखिए उनके लिए कैसी रहमत, और वो जन्नत में सबसे पहले अपनी बेटी से मिलेंगे। और हमारे आज के दौर में ऐसे भी लोग हैं, मैं रोना नहीं चाहती, बच्चे कमज़ोर नहीं कर सकती मैं, तरीके से आपको बात बताऊंगी। हमारे माशरे में आज ऐसे भी लोग हैं, आपको पता है, जिनके पेरेंट्स और जिनके माँ बाप अपने बच्चों के हकूक अदा नहीं कर पा रहे। ये वो बच्चियाँ हैं, जब ये पैदा हुई तो इनके वालिद साहब ने बेटियाँ होने की वजह से इनकी माँ को डिवोर्स कर दिया। और इनकी माँ को जब डिवोर्स किया तो क्योंकि बेटे की ख्वाहिश वो पूरी नहीं कर सकी, तो इनकी अम्मी ने जहर खा के अपनी जान ले ली। और ये इन्होंने बेटों का रूप धार लिया इसलिए क्योंकि इनके बाप ने इनकी माँ को छोड़ दिया था कि इन्होंने बेटियों को जन्म दिया है। और इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में जो बेटों की ख्वाहिश थी इनके वालिद को, और जिसकी वजह से इनकी माँ ने जान ले ली अपनी, उस बात को पूरा करने के लिए इन्होंने अपना हुलिया बदल लिया। ये लड़कियों से लड़का बन के घूम रही हैं, अफसोस की बात है। कौन बड़ा है, वजीहा या हुरैन? हुरैन। हुरैन, फिर तुमसे बातें करती हूँ, मुझे बताओ भाई, किसी ट्रॉमे का शिकार तो नहीं मेरा बच्चा? है पक्का? शिकार तो है ट्रॉमे का, क्यों नहीं है? इसीलिए तो ये वह बहादुर घर, ये लड़कों का जो लिबास पहन के घूम रहे ना, एक छोटे से ट्रॉमे से गुजर रहे हैं, मगर इनके लिए छोटा सा ट्रॉमा कुछ भी नहीं होगा, उनको बहादुर बहुत है। ऐसे इस फेस को निकालेंगे। क्या हुआ था, अपने अपनी ज़बानी बताओ मेरा बच्चा, क्या स्टोरी हुई थी? स्टोरी ये थी कि हमारे पापा ने ना हमें छोड़ दिया कि हम बेटियाँ हैं, मेरी मामा को दूसरी शादी कर ली थी पापा ने, तो फिर लड़ाइयाँ वगैरह चलती थी मामा और पापा की, तो फिर पापा ने डिवोर्स दे दी मामा को, तो फिर मामा ने जहर खा ली क्योंकि मामा और पापा की लव मैरिज हुई थी। तो आप लोग कितने साल की थी तब? मैं 13 साल की और ये 11-12 की। और अभी आप कितने साल की हैं? अब मैं 15 की हूँ और ये 13। अभी की बात है जी। तो आपकी अम्मी ने घर में ख़ुद सुसाइड किया था जी, इसी ट्रॉमे से, इसी झगड़ों से जी। पहले भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी उनकी। पहले हम डीजी खान रहते थे ना, तो वहाँ पर खुश रहते थे पापा के साथ और मामा के साथ। जब से हम फैमिली में आए हैं ना, तो दादी वगैरह फूफो वगैरह उनकी वजह से सब कुछ हुआ। पहले पापा हमारे साथ बिल्कुल ठीक थे, लड़कों की तरह रखते थे हमें पहले भी कि मेरे बेटे हैं, लेकिन अब उनकी सोच ही बदल गई थी। मैं अपने शौक पूरा कर भी रहे थे साथ साथ कि तुम लोग बेटियों को बेटा कहते थे जी। तो फिर जब मैं 11 साल की हुई तो पापा कह, मेरी दादी ने कहा कि इसकी शादी कर दो मेरे कज़न के साथ। 11 साल की उम्र में फिर मामा ने कुछ भी करके लड़ाइयाँ वगैरह करके कि नहीं करनी, तो फिर टल गया था फिर मामला। फिर उसके बाद फिर कह रहे थे कि जब डिवोर्स देने लगे उससे पहले कह रहे थे कि इनकी 2 साल बाद शादी कर देना फिर मैं मानूंगा, तो मामा फिर भी मान गई थी, तो फिर भी उन्होंने डिवोर्स दे दी। फिर इसी वजह से मामा ने जहर खा लिया था। तो जिस दिन डिवोर्स दिया उससे कितने दिन के बाद अम्मी ने जहर खाया? उससे ये 5-6 दिन बाद। अल्लाह, किस तरह से अपनी, मतलब क्या तुम लोग को बोला था कि मैं जा रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ, कोई ख़त लिखा था? ये डायरेक्ट गुस्से में बस अपने ऊपर अटैम्प्ट किया, गुस्से में अटैम्प्ट किया जी। तुम लोग को कैसे पता चला अभी अम्मी के साथ ये हुआ है? उस वक्त घर पे नहीं थे तुम लोग जी? घर पे थे। क्या सिचुएशन थी जब ये हुआ?
याद नहीं करना चाहती वो सब कुछ। आप कहाँ थी जिस वक्त ये हुआ बेटा? मैं भी वहीं थी। हाँ बट मम्मा नजर नहीं आ रही थी तब। अच्छा क्या टाइम था? दिन का टाइम था। मामू भी हमारे पास ही थे ना, मामू के पास रह रहे थे हम। मामू भी साथ थे। फिर तो मामू वगैरह हम खुद भी बहुत परेशान थे, हम भी दिन रात रोते रहते थे। हाँ तो बहुत ज्यादा ये बारे में हम पता नहीं क्यों बात नहीं करना चाह रहे। अब तुम लोग इतने स्ट्रांग हो कि अब तुम लोग दुनिया को मैसेज दे रहे हो। तुम लोग को पता है तुम लोग अपना गम किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, मगर तुम अपना एक स्टोरी जो है ना लोगों को बता रहे हो कि तुम लोग के साथ इतना कुछ हुआ है। ऐसा कुछ होने के बावजूद तुम दोनों आपस में देखो एक दूसरे के साथ हो, दोनों बहनें। भले तुम लोगों ने बॉयज़ का ये हुलिया बनाया, दैट्स योर चॉइस कि तुम लोग लड़कों की तरह रहना चाहते हो। मुझे नहीं पता क्या मेंटल, जाहिर सी बात है कि ट्रॉमे से तुम लोग गुजर रहे हो, वो तो एक जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है। वो छोटी उम्र है तुम लोगों की, अभी तुम लोगों ने बहुत आगे जाना है, इस पूरी दुनिया को फेस करना है, कुछ बनना है, कुछ काम करना है। ये जो माँ की सुसाइड का ट्रॉमा है ना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है। कोई शक नहीं, दुनिया की कोई 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 भी ताकत मुझे नहीं लगता कि इस गम को भुला सकती है। अच्छा मैं ये जानना चाहूँगी कि मुझे बताओ बाप के हवाले से वजह तसव्वुर क्या है तुम्हारे दिमाग में अपने वालिद साहब को देखते हुए? अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। करती हो? हाँ बहुत। क्या क्या कहते हैं? जब कॉल करती हूँ तो ब्लॉक कर देते हैं, कहते हैं केस करवा दूँगा तुम्हारी खाला पर। खाला बहुत अच्छी है हमारी, उन्होंने हमें संभाला, उन्होंने हमें हिम्मत दी है। अच्छा पास नहीं रहते, कॉल करती हूँ तो कहते हैं ब्लॉक कर दूँगा? जी हम खाला के पास रहते हैं। या अल्लाह ये कैसा बाप है। लेकिन अब हमारे लिए मर गए हैं हमारे पापा भी। जब वो मिलना ही नहीं चाहता, जब वो बात ही नहीं करना चाहता, छोटी छोटी बच्चियों को ब्लॉक कर देता है, जिसने उसकी माँ को डिवोर्स कर दी बच्चियाँ होने पे, दूसरी शादी कर ली, और इनकी माँ उनसे इतनी मोहब्बत करती थी कि उन्हें ट्रॉमे में, किस ट्रॉमे में वो औरत होगी कि इनकी मासूम माँ ने जाके ख़ुदकुशी कर ली। मैं आपको बताऊँ ये सारी बातें बात की हैं कि इंसान ने ये काम किया, इंसान को इस सिचुएशन पे लाया जाता है, इस ट्रॉमे पे लाया जाता है कि वो ये स्टेप उठाए, उसको मेंटल टॉर्चर इतने दिए जाते हैं। वो किस ट्रॉमे से गुजर रही होगी कि उसने ये स्टेप उठाया? लफ्ज ही नहीं है मैं क्या बोलूं। शर्म है ऐसे बाप को जो इतनी प्यारी बच्चियां छोड़ के दूसरी शादी करके तो बच्चियों को कहता ब्लॉक कर दूंगा। बाप तो जन्नत का दरवाजा होता है।